हेलो दोस्तों, माय नेम इज मिथुन चौधरी। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कार इंजीनियर पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टाटा HBX के बारे में, जो टाटा की माइक्रो SUV है। ये एक्चुअल में एक कॉन्सेप्ट व्हीकल है और ये मिनी SUV सेगमेंट में टाटा इसको लॉन्च करेगी, या फिर माइक्रो SUV हम इसको कह सकते हैं, जो कि नेक्सन से थोड़ी छोटी होगी, मगर जो अल्ट्रोज है उसके प्लेटफॉर्म से थोड़ी सी बड़ी ये होगी। और टाटा की माने तो 95% जो है ये प्रोडक्शन रेडी है और सिर्फ 5% ही इस गाड़ी के अंदर आपके डिज़ाइन एलिमेंट हैं, जो कि एक कॉन्सेप्ट व्हीकल की तरह हैं। तो दोस्तों, एक बार चारों तरफ से देख लीजिए कि किस तरह की ओवरऑल लुक इस गाड़ी से निकल के आई है। और दोस्तों, सबसे ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है कि ये गाड़ी कब तक आएगी। तो टाटा के अकॉर्डिंग ये इस साल के एंड तक, यानी कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक, दिसंबर 2020 तक ये गाड़ी मार्केट में आ जानी चाहिए। और करीब इसकी प्राइसिंग रखी जाएगी 5 लाख से लेके 6 लाख तक, जो इसकी स्टार्टिंग रेंज होगी गाड़ी की। और अगर इस रेंज में टाटा इन्हीं डिज़ाइन एलिमेंट्स को रिटेन कर पाता है, तो बहुत ही ज़बरदस्त गाड़ी ये टाटा के लिए होने वाली है। इंजन जहाँ तक अभी जो डिटेल्स मिली हैं, तो 1.2 लीटर का जो टर्बो इंजन है वही इसमें यूज़ होने वाला है, जो टाटा ने अल्ट्रोज में यूज़ किया था, जो करीब 86 हॉर्स पावर की जो है वो पावर रखता है। 5 स्पीड का जो इसमें मैनुअल ट्रांसमिशन रखा जाएगा। और इलेक्ट्रिक जो वेरिएंट है वो अगर इस गाड़ी का लॉन्च होता है तो लोग काफ़ी इंटरेस्टेड होंगे इसमें। तो दोस्तों, अब इसकी थोड़ी डिटेलिंग में बात कर लेते हैं। ओवरऑल दोस्तों, ये एक रगेड माइक्रो SUV व्हीकल है। थोड़ी थोड़ी ऑफ रोडर लुक्स जो है वो ये SUV दे रही है। बिल्कुल परफेक्ट फिट एंड फिनिश लगती है, प्रोपोर्शन में ये दिख रही है चारों तरफ से। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इसके फ्रंट प्रोफाइल से। फ्रंट में ये देखने पर आपको थोड़ी थोड़ी हैरियर से इंस्पायर्ड लगेगी, जिसमें DRLs जो है वो टॉप पर दिए गए हैं, वहीं पर टर्न इंडिकेटर्स दिए गए हैं। बीच में जो एक जो आपका एलिमेंट रहता है, वो पैनल है, वो टोटल ग्लॉसी पैनल यूज़ किया गया है ब्लैक कलर में। टाटा की बैजिंग बीच में दी गई है। और उसके बाद बात करें तो जो ये ह्यूमैनिटी लाइन का जो इसका बम्पर लुक है वो बड़ा ही शानदार लग रहा है। हेडलैम्प में भी वही ट्राई एरो के अंदर फिट किया गया है, ऊपर की तरफ प्रोजेक्टर हेडलैम्प दिया गया है, वहीं रिफ्लेक्टर साइड में आपको हाई बीम दिखेगा। नीचे की तरफ थोड़ा सा डमी इसको रखा गया है जो हेडलैम्प के एरिया को। उसके बाद अगर नीचे की तरफ देखते हो तो स्किड प्लेट बहुत ही बड़े साइज की जो है वो यहाँ पर इस माइक्रो SUV में दी गई है। और टायर्स का प्रोफाइल देखिए दोस्तों, काफ़ी वाइड टायर्स दिख रहे हैं। आई थिंक 15 इंच टू 16 इंच के बीच के ये टायर्स हैं। और ऑफ रोडर जो व्हीकल्स होते हैं उनके टायर्स को यहाँ पर टाटा में ने यूज़ किया है। ऊपर इसमें रूफ रैक दिया गया है, जिसमें स्पेयर व्हील रखा गया है, जेरिकेंस का जो है वो स्पेस दिया गया है। और रूफ़ के अंदर देखिए दोस्तों, ये टोटल ब्रॉन्ज कलर में जो है वो रूफ़ को रखा गया है। और ब्रॉन्ज कलर का ही जो एलिमेंट्स हैं वो आपको ORVM में भी डुअल टोन में ब्रॉन्ज कलर का यूज़ हुआ है। और इसी तरह का ब्रॉन्ज का जो ट्रीटमेंट है वो आपको इंटीरियर्स में भी देखने को मिलेगा, हालांकि इंटीरियर्स की बात हम बाद में करेंगे। तो अभी इसकी थोड़ी साइड की बात करें तो ये देखिए दोस्तों, साइड में ए पिलर को जो है वो आपको पूरी तरह से पियानो ब्लैक फिनिश में रखा गया है। बी पिलर को पूरा ब्लैकआउट कर दिया गया है, ताकि ये जो है फ्लोटिंग जो रूफ है वो डिज़ाइन यहाँ से निकल के आए। सी पिलर को भी ऑलमोस्ट ब्लैक कलर के, और लास्ट में सैंडविच कर दिया गया है सी पिलर को। और देखिए, जो डोर हैंडल्स हैं जो अल्ट्रोज में जो यूज़ हुआ था, वही जो हिडन जो एक डोर हैंडल है वो यहाँ पर यूज़ किया गया है। और दोस्तों, एलोए व्हील्स की अगर बात करें तो ये भी पियानो ब्लैक फिनिश को और जो मैट फिनिश है उनको इंसर्ट किया गया है। काफ़ी साईफाई से जो इसके टायर्स लग रहे हैं, अगर एलोएज को रिटेन करता है टाटा इसमें, तो बहुत ही शानदार ये लगने वाले हैं। मैं कहूँ कि अगर इसका 90% जो टाटा क्लेम करता है कि 90 to 95% ये प्रोडक्शन रेडी कार है, इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होने हैं, उसके बावजूद अगर 80% भी अगर टाटा इसमें से रिटेन कर लेता है, तो बहुत ही ज़बरदस्त ये SUV होगी और अच्छा कॉम्पिटिशन देने वाली। और साइड में देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो टैंक है, फ्यूल टैंक है, उसका कैप दिया गया है। हालांकि साथ में ये भी कहा जा रहा है कि टाटा की तरफ से क्लेम किया जा रहा है कि इसको इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी साथ में ही लॉन्च किया जाएगा, या जैसे ही जो पेट्रोल वेरिएंट आएगा उसके कुछ ही दिन के बाद इसका जो है आपको इलेक्ट्रिक वेरिएंट भी मार्केट में देखने को मिल जाएगा।
और दोस्तों रियर प्रोफाइल की बात करें तो रियर से भी काफ़ी रगेड ये एसयूवी लग रही है और एकदम से ये फिनिश हो जाती है। मतलब पिछले वाले टायर के बाद गाड़ी की जो लेंथ है वो बहुत ज़्यादा नहीं है और 3.8 मीटर की इसकी टोटल लेंथ है, तो टाटा की कह सकते हैं सबसे छोटी गाड़ी है, बट पीछे से देखने में नहीं लगती है, इतनी कॉम्पैक्ट गाड़ी रहेगी। और पीछे से सिंपल सोबर भी रखा गया और मस्कुलर लुक्स भी इसको दी गई हैं पीछे की तरफ। देखिए बहुत सारे कर्व लाइन जो हैं, क्रीज लाइन और जो ग्रूव्स हैं वो इसके अंदर दिए गए हैं। एकदम से बल्की सी नहीं लग रही बट रोबस्ट लग रही है पीछे से। और जो ट्राई जो स्टार है, ट्राई एरो जो टाटा का एक नया एलिमेंट है, वो हेडलैम्प में भी आपको देखने को मिल रहा है। और ऊपर की तरफ जो स्पॉइलर है वो इंटीग्रेट किया गया है उसको रूफ के साथ ही, ब्रॉन्ज में ही उसको कंटिन्यू किया गया है। बीच में आपको एक नोच जरूर देखने को मिल रहा है जहाँ पर जो है वो टेल लैंप है वो वहाँ पर दिया गया है। नीचे की तरफ अभी के लिए इसमें कोई बैजिंग वगैरह नहीं दी गई है, खाली टाटा के लोगो और उसके नीचे रिवर्स पार्किंग कैमरा जरूर दिख रहा है। नीचे HBX जो है, जो शायद यहाँ पर नंबर प्लेट का जो स्पेस रहेगा वहाँ पर दिया है। नीचे की तरफ जो स्किड प्लेट है अगेन सिल्वर में रखा गया जैसे फ्रंट में थी, और काफ़ी वाइड स्किड प्लेट इस गाड़ी में यूज़ हुई है और पीछे से भी ये ऑफ रोडर व्हीकल ज़्यादा लग रही है। दोस्तों इसके इंटीरियर की बात करें तो काफ़ी कॉम्पैक्ट रखा गया है, सिंपल सोबर डिज़ाइन यूज़ किया गया है और जो ब्रॉन्ज एलिमेंट है उसका ट्रीटमेंट आपको थ्रू आउट पूरे डैशबोर्ड पर देखने को मिलेगा। हालांकि काफ़ी चीज़ें जैसे टच जो इसके टच स्क्रीन है वो भी अल्ट्रोज से ही ली गई है, 7 इंच में दी गई है। कुछ कंपास टाइप के एलिमेंट्स यहाँ पर वो हो सकता है डिज़ाइन के लिए जो अगेन कॉन्सेप्ट टाइप के लिए यूज़ किए गए हैं, बट जो ओवरऑल जो डैशबोर्ड है वो काफ़ी अच्छा यहाँ पर लग रहा है। जो स्टीयरिंग है वो फ्लैट बॉटम यूज़ किया गया है और जो राइनोसोर है वो यहाँ पर, क्योंकि टाटा हर गाड़ी पर एक एनिमल को उसकी ब्रांडिंग दे रहा है, हर गाड़ी पर आपको देखने को मिला है, कहीं पर लायन, कहीं पर पीकॉक। और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की अगर बात करें तो वो टोटल जो है आपका अल्ट्रो से लिया हुआ है, सेमी डिजिटल दिख रहा है और सेमी एनालॉग है। और जो पूरा स्टीयरिंग है वो भी पूरा जो आपका अल्ट्रोज से ही इंस्पायर्ड है। और सिटिंग स्पेस इस गाड़ी में काफ़ी अच्छा दिख रहा है अभी तक, अब बट देखने वाली बात ये होगी कि प्रोडक्शन में जब गाड़ी आएगी तब कितना उसमें से इसका रिटेन किया जाएगा। तो दोस्तों ये थी वीडियो टाटा की HBX कॉन्सेप्ट व्हीकल की। इसी तरह की ऑटो एक्सपो की और वीडियोस को देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह की सारी वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।